का वो काला पेज है जिसमें रिच और फेमस लोगों के बारे में छपता है। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हीरोइन को क्यों लगा देजा वू? क्यों छुपाया जैकलीन का किरदार? कौन निभाएंगे विलन का किरदार? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉली ग्रैड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी बच्चन पांडे के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। फिल्म की एक्ट्रेस लीड कृति सनॉन को फिल्म की शूटिंग के दौरान डेजा वू हुआ था, क्योंकि बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में हो रही है और हाउसफुल 4 की शूटिंग भी जैसलमेर में ही हुई थी। तो जाहिर है कि अक्षय कुमार और कृति सनॉन को काफी ज्यादा यादें जैसलमेर से जुड़ी हुई हैं और दोनों ही अपनी मेमोरीज को याद करके काफी ज्यादा खुश हैं। कृति का कहना है कि अक्षय कुमार ने सेट में फ्री टाइम में सबको खूब हंसाया है और फ्री टाइम में सबके साथ हाउसी और लूडो जैसे फन एंड इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेले हैं, जिसमें सभी को बहुत मजा आया है और साथ ही साथ ढेर सारी मेमोरीज भी बन चुकी हैं। जैसलमेर में 45 दिन तक लगातार शूटिंग होती रही है और बच्चन पांडे के सेट से सभी मेल जुड़कर एक साथ टेबल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते आ रहे हैं और बिल्कुल एक हैप्पी बिग फैमिली की तरह रह रहे हैं। फिल्म के BTS सीन्स भी काफी मजेदार दिख रहे हैं, जहां अक्षय कुमार के साथ साथ नजर आए हैं गणेश आचार्य। दर्शकों का मानना है कि उस दौरान फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैकलीन भी दिखेंगी बच्चन पांडे में, पर यहां हमें अभी तक जैकलीन का किरदार डिटेल में नहीं बताया गया है। हालांकि हमें फिल्म से क्लू तो मिल गया है कि जहां बताया जा रहा है कि जैकलीन का किरदार काफी इंटरेस्टिंग होगा और जैकलीन एक मेन हिस्सा होंगी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने की और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। हाल ही में जैकलीन ने बताया कि वो चाहती है कि काश उनके पास टाइम को पीछे करने वाली कोई मशीन होती, जिससे वो पीछे जाकर बहुत ट्रैवल करती और अपना रेस्टोरेंट ओपन करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीती। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक विलन के रोल में अभिमन्यु सिंह दिख सकते हैं एक गैंगस्टर के हेड के रोल निभाते हुए। 2021 की सूर्यवंशी और रामलीला जैसे फिल्म तो आप शायद ही भूल सकते हैं, जिसमें अभिमन्यु ने काफी बेहतरीन किरदार निभाया था और दर्शकों को उनका निभाया गया रोल काफी ज्यादा पसंद भी आया था। दोस्तों, आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं और कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मजेदार खबरों के साथ। धन्यवाद।